everyone, welcome back to my YouTube channel. It's another day of vlogging and welcome back to another vlog. It's Sunday today और अभी ना दोपहर का टाइम है और लिटरली बिल्कुल धूप नहीं निकली हुई, इतनी ठंडा है और मैंने अभी भी शाल लिया, मेरे हाथ पूरे बर्फ बने हुए हैं. जिस हाथ से मैं व्लॉग कर रही हूँ कैमरा पकड़ा हुआ है, लिटरली मेरा हाथ फील ही नहीं हो रहा मुझे. और मैं ठंडे पानी से नहाई हूँ क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी यार, गीजर बंद हो गया था. ब्रो बस कर दे लोड शेडिंग, कितनी बार जानी है यार. इतनी ठंड है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ. ब्रो इतनी ठंड है कि ये जो तेल है ना ये जम गया लिटरली, जरा सा भी लिक्विड नहीं है, इतनी ठंड है. बस अब बर्फ पड़ना रह गई है, बाकी सब तो हो ही गया. अभी चलते हैं नीचे और करते हैं नाश्ता, लेट्स गो. I got the food. ये मेरा कल का खाना रात का भी यही था, मेरा सुबह का नाश्ता भी यही है, बस आ गया नान खा रही हूँ. कल रात को मुझे किसी ने नान नहीं दिया था, सो लेट्स ईट. अब्दुल्ला इधर दो. ओके जी, नाश्ता वाश्ता हो गया था, फिर मैं आके थोड़ी देर लेटी हुई थी, ठंड कम कर रही थी जो कि बिल्कुल भी नहीं हुई. अब चलते हैं नीचे तो देखते हैं क्या कर रहे हैं सारे मेरे बगैर. मुझे मिस तो नहीं करे. Let's go. क्या कर रही है मामा? कुछ नहीं, खाना बना रही हूँ. क्या बना रही है? Yes. ये कौन सी दाल है भाई? ये तो मेरी, मुझे बिल्कुल मेरे पसंद. मामा ये कौन सी दाल है? यहाँ पे जी उबल रहे हैं चावल. यार इससे तो अच्छा था कि मैं नूडल्स कल ना खाती, मैं आज बना लेती, क्योंकि मामा ने बना लिया दाल चावल और वो वाली दाल जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, खानी पड़ेगी. अच्छा वैसे आज सुबह से फोन यूज कर करके, क्योंकि संडे है, फोन यूज करने के अलावा कोई काम नहीं है, पढ़ाई भी फोन पे ही होती है, तो चार्जिंग खत्म हो गई है. अब हम इसको चार्ज पे लगाते हैं, थोड़ा सा जर्दा ले लेते हैं, वो खाते हैं और एंजॉय करते हैं. कैसी तबीयत है? Huh? Guys, she is not well. खाया भी है कुछ? Yes. माशाल्लाह डोनट खाया, बीमारी में भी बेटा. No, I can't eat anything else. Only donut? Yeah, I don't feel like eating much more today. Okay, okay. Rest. Thank you. Okay. Welcome. जाओ. जब अपना काम होगा ना तभी मदद करा दी आती है, बाकी वैसे नहीं करा दी. बहुत प्रेशर है मेरे पे. ठीक है, तुमने क्या करना था? अरे हाँ ज्यादा सही है, ज्यादा सही है, मैं ज्यादा सही लगा रही हूँ. अब तुम्हें माना अभी सही लगा होगा, उसके कन्नों में ही, उसके हर तरफ. प्लीज कपड़ा डाले या रात बारह मिक्स करेंगे? हाँ उसे पतीले में डाल के कर लेंगे. भाई को टेंशन हो, और मसाले मसाले छिड़क देंगे. कोई प्रेशर नहीं है आप पे भाई, मामा पे सारा प्रेशर है. माइक टेस्टिंग 1 2 3, वॉइस ओवर वाली हबीबा इज बैक. अच्छा यहाँ पे सीन ये था कि मेरे भाई ने अपने दोस्तों के साथ करनी थी बारबेक्यू, तो मसाला हमेशा हमारे घर से लग के जाता है, तो यही सब कुछ चल रहा था. साथ साथ मैंने मामा को कहा मामा आपने मेरे लिए भी बनाना, लेकिन बारबेक्यू तो नहीं हो सकती थी, तो मामा ने फ्राई करने के लिए चिकन को मसाला लगा लिया था. चिकन इज रेडी. I got the evening snacks, जिसमें मेरे पास है सैंडविच, निम्को और चाय. अच्छा मैंने सोचा मैं इसको ग्रिल कर लूँ, लेकिन मैंने कहा छड्डो चाय ठंडी हो जानी है, क्या फर्क पड़ता है, पेट में जाके एक ही चीज़ बननी है, तो मैं ऐसे ही खा लेती हूँ. सो लेट्स ईट. ओके गाइज, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं जा रही हूँ जी दोबारा से लूडो खेलने. पता नहीं तो ये लूडो मुझे कहाँ से चिम लगी है. लगी 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 सब कुछ रिकॉर्डेड. ये जल्दी से खत्म कर दो, मेरी बाबा ने कत्ल कर ये चीज. मेरा कातिल है कातिल, जिंदा हो. Approximately 10 hours later. मैंने जहन में सोचा हुआ है कि मैंने कल यूनिवर्सिटी में क्या पहनना है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि जो मैंने पहनना है वो है कहाँ. अच्छा तो
पेन नहीं है कल? फिर तो 2 जनवरी की भी छुट्टी होनी चाहिए, 3 की भी, 4 की भी। आई मिस शफकत महमूद, याद तो आती होगी। रुलाती होगी। अब हम ढूंढेंगे यहाँ पे कपड़े, मुझे आई एम डैम श्योर मुझे नहीं मिलने वाला, आई एम डैम श्योर। डैम बट ठंड पै रही है यार। अच्छा जी रुक जाओ मैं ढूंढ के ही बताती हूँ। तो मुझे मिल गया जो मैंने कल पहननी है, लेकिन मुझे मेरी पैंट नहीं मिल रही है, तो हम बाद में ढूंढ लेंगे। मामा का आ गया बुलावा क्या के खाना खा लो, तो लेट्स गो। किसकी भी नहीं ठीक, लेकिन मैंने कह के बनवाया के मुझे बना के दो सही है। तो लेट्स ईट, आप लोग भी आ जाओ साथ खाते हैं। ओके सो इट्स 2024 ऑलरेडी, हैप्पी 2024, इट्स सैड 2024 बिकॉज गजा इज स्टिल ब्लीडिंग यू गाइज। और यहाँ पे लोग खुशियां मना रहे हैं जी, पटाखे बज रहे हैं भाई, लेकिन हमें उनके लिए दुआ करनी है, ठीक है। जाहिर सी बात है हम कुछ नहीं कर सकते दुआ के अलावा, एंड दुआ इज मोस्ट पावरफुल। सो कभी भी आप कोई भी नमाज पढ़ें, कभी उठते बैठते आपको ख्याल आए, कोई रील वगैरह देखें, तो आप लोग उनके लिए दुआ जरूर करें। बायकॉट तो हमारा चल ही रहा है, कभी कभी इंसान भूल भी जाता है यार, हम बायकॉट कर रहे थे तो कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, आई एम नॉट परफेक्ट, ठीक है। तो वी हैव टू प्रे फॉर देम, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को आसान करे। हमारे मुसलमान भाई हैं ना, सब हमारे बहन भाई हैं, चाहे वहां के मुसलमान हैं भी या नहीं, वहां पे नॉन मुस्लिम्स भी होंगे ना, तो हम उन सबके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला उन सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, अल्लाह ताला उन सबकी मदद करे और वो इस सब से निकल आए, आमीन। तो अब मैं इसी के साथ अपना व्लॉग एंड करती हूँ। इट्स अ लिटिल सैड एंडिंग, बट अल्लाह ताला एक दिन सब सही कर देगा, बेशक दुआ में बहुत ताकत होती है। सो यस आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आप लोगों को मिलती हूँ कल इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, प्यारे प्यारे लोगों, अल्लाह हाफिज़, बाय ब्यूटीफुल पीपल, स्टे विद मी फॉरएवर।